कहानी की शुरुआत एक राजा और एक रानी से होती है। राजा का नाम विसेरियस टारगेरियन रहता है। रानी राजा को राजपाट संभालने के लिए एक वारिस नहीं दे पाती है। तभी राजा अपनी इकलौती बेटी रेनिटा को अपना सक्सेसर घोषित करता है। कुछ सालों के बाद किंग दोबारा शादी करता है एलिसेंट से, जो हाई टावर घराने से आती है। किंग को उनकी दूसरी पत्नी एलिसेंट से एक लड़का भी होता है, पर फुलिश किंग अपने सक्सेसर को चेंज अभी भी नहीं करता है। इस बात से किंग का कोर्ट दो भाग में बंट जाता है, एक तरफ ग्रीन जो एलिसेंट का रहता है और दूसरी तरफ ब्लैक जिसमें रेनिटा को दिखाया जाता है। टाइम बीतता है और एक रात किंग अपने बिस्तर पर ही गुजर जाते हैं, बट प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बिना ही एलिसेंट राजा के रूम को बंद कर देती है और स्मॉल काउंसिल की मीटिंग करती है, जिसमें एगॉन को नेक्स्ट किंग बनाने की बात रखी जाती है। जो इस डिसीजन के खिलाफ होते हैं उन्हें उसी टेबल पर मार दिया जाता है। राजपाट संभालने की बात सुनकर सबसे ज़्यादा हैरान एलिसेंट के बेटे प्रिंस एगॉन ही होते हैं। फिर उसकी माँ एलिसेंट उसे यह समझाती है कि अगर तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे तो तुम रेनिरा के सक्सेशन में एक थ्रेट पोस्ट करोगे और रेनिरा तुम्हें मरवा देगी। प्रिंस एगॉन को क्राउन किया जाता है ड्रैगन पिट में उसकी पत्नी और उसकी बहन हेलिना के साथ, जो क्वीन बनती है। इसी दौरान एगन का भाई एमंड अपने ड्रैगन वेगार पर बैठ उड़ान भरता है दूसरे हाउसेस से सपोर्ट के लिए। राजा विसेरियस के बाद अब दूसरा शासन किंग एगॉन का अब आ चुका था। उसकी नाम की गूंज किंग्स लैंडिंग की गलियों तक पहुंच रही थी और अब ग्रीन कैंप्स का फ्लैग गोल्ड ड्रैगन बड़े बुलंदी से लहराने लगा था। लेकिन कब तक? जब ये बात रेवन के द्वारा रेनिरा को पता चलता है, तब रेनिरा खुद के ब्लैक कैंप की मीटिंग रखती है, जिसमें उनके पति और अंकल डेमन टारगेरियन रहते हैं। बहुत लोग इन्हें सबसे खतरनाक आदमी वेस्ट्रॉस का मानते हैं। कुछ और लॉर्ड्स भी रहते हैं इस टेबल पर, बट इनमें से सबसे ग्रेट लॉर्ड कॉर्लिस रहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट इन द रेल्म। उनकी पत्नी और कोई नहीं, ओल्ड किंग विसेरियस की बहन रेनिस रहती है। रेनिरा के पांचों बच्चे, जो कि अभी नाबालिग है, वो भी इस टेबल पर मौजूद रहते हैं। इस मीटिंग में सारे मिलकर भी सिर्फ हाई टावर का पावर भी मैच नहीं कर सकते। एक और बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रेनिरा के पास ड्रैगन्स भी होते हैं। रेनिरा, डेमन और रेनिस, इनके पास बहुत बड़े ड्रैगन होते हैं और रेनिरा के पांच बेटे में से तीन ड्रैगन राइडर ही होते हैं। इसके साथ ड्रैगन स्टोन में छह और ड्रैगन रहते हैं बिना ड्रैगन राइडर के। इसके विपरीत किंग एगॉन के पास बस चार ड्रैगन होते हैं। एक और बात हम ध्यान रखें कि बस ड्रैगन से राजगद्दी नहीं मिलती, इसके लिए हाउसेस का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट के लिए रेनिरा अपने एल्डेस्ट सन जैकारिस को नॉर्थ में द वेल की तरफ रवाना करती है और फिर अपने मिडिल सन लुकारिस को द स्टॉर्मलैंड की तरफ रवाना करती है। रेनिरा का मानना यह भी था कि मामला डिप्लोमेसी से सुलझाया जा सकता है, पर यह सोच गलत थी। जब रानी के छोटे बेटे लुकारिस स्टॉर्मलैंड पहुंचता है तो वो देखता है कि एमंड वहां पहले से ही मौजूद है, लॉर्ड बराथियन के पास। अपने आँख को खोने के बहुत पहले से एमंड बहुत बहादुर रहता है। अपने आँख की जगह उसने सफायर लगाया हुआ होता है। लुकारिस अपने माँ की कही हुई बातें लॉर्ड बराथियन को बताता है और उनसे एलिजेंस की मांग करता है अपनी माँ की तरफ, पर इसके रिस्पांस में लॉर्ड बराथियन लुकारिस को धुतकार कर मना कर देता है और उसे अपने घर वापस जाने को बोलता है। मौसम बहुत बिगड़ा हुआ होता है जब लुकारिस अपने ड्रैगन एरेक्स के ऊपर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। गरजती हुई बिजली के बीच लुकारिस एक बड़ी सी परछाई देखता है। परछाई किसी और की नहीं, एमंड के ड्रैगन वेगार की रहती है। विशालकाय ड्रैगन वेगार लुकारिस की तरफ झपटता है और देखते ही देखते लुकारिस और उसका ड्रैगन समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। वॉर ऑफ रेवन लुकारिस की मृत्यु के बाद अब खत्म होता है और अब वॉर ऑफ फायर एंड ब्लड प्रारंभ होता है। जब रेनिरा को इसकी सूचना मिलती है तो रेनिरा इस वॉर को खत्म करने की सोचती है। फिर डेमन का रेवन आता है जिसमें बड़े अक्षर में लिखा हुआ रहता है कि उनके बेटे का बदला जल्द ही लिया जाएगा। अब डेमन दो लोगों को चुनता है जिसमें से पहला फॉर्मर गोल्ड क्लॉक रहता है और दूसरा रैट कैचर होता है, जिसे सारे सीक्रेट रस्ते महल के पता होते हैं। हिस्ट्री इन्हें ब्लड एंड चीज नाम से याद रखता है। उस रात हेलिना हर रात की तरह अपने दोनों बेटे और एक इकलौती बेटी को सुलाने अपने कमरे लेकर जाती है। तभी ब्लड एंड चीज वहां पहुंचते हैं और कहते हैं अ सन फॉर अ सन, बेटे के बदले बेटा। क्वीन हेलिना को अब चूज करना होता है कि कौन सा बेटा वो सैक्रिफाइस करेंगी। फिर हेलिना अपने यंगेस्ट सन मेलॉन को चुनती है। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है। रेड कीप पर अब मातम सा छा जाता है और डेमन की इस बेवकूफी की वजह से प्रजा रेनिरा से घृणा करने लगती है। डेमन हैरनहॉल जाकर वहां का राजा बन जाता है और ब्लैक कैंप का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांगेस्ट कासल पर अब कब्जा होता है।
किंग एगॉन के तरफ भी विंटरफेल और वाइल की आर्मी आ जाती है और फुलिश एगॉन अपने हैंड ऑफ किंग सर ऑटो हाई टावर को रिप्लेस करता है सर क्रिश्चियन कोल से। अब क्रिश्चियन कोल डिसाइड करता है कि वो खुद रॉयल आर्मी के साथ उन सारे कैसल्स और लॉर्ड को जला देंगे जिसने रेनिरा को सपोर्ट करा है इस बैटल में। पहले वो मार्च करता है रॉक रेस्ट की तरफ और सारे शहर को जला देता है। वहाँ के लॉर्ड को बंदी बना लिया जाता है और कई दिनों तक शहर जलता है। क्वीन रेनिरा को रेवन भी भेजे जाते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आता। कुछ और दिनों तक शहर जलता है, फिर शहर में एक बड़ी सी परछाई लोगों को दिखती है। आखिरकार क्वीन रेनिरा अपनी बुआ रेनिस को उनके ड्रैगन मेलिस के साथ वहाँ भेजती है। ड्रैगन मेलिसिस सबसे पहले सर क्रिश्चियन कोल की आर्मी को जलाना शुरू करती है, पर रेनिस को ये नहीं पता कि ये सब एमंड का बिछाया हुआ एक ट्रैप है जिसमें वो अब फंस चुकी है। अब आसमान पर दो और ड्रैगन दिखते हैं, एक एमंड का वेगार और दूसरा एगॉन खुद उनके ड्रैगन सनफायर के साथ। शुरू होती है अब यहाँ पर ड्रैगन की लड़ाई। इस भीषण लड़ाई के अंत में रेनिस अपने ड्रैगन मेलिसिस के साथ मारी जाती है और साथ ही साथ किंग एगॉन अपने ड्रैगन सनफायर के साथ उनके नीचे पाए जाते हैं। किंग एगॉन बहुत बुरी तरह जले हुए होते हैं, इतनी बुरी तरह कि उनका आर्मर उनके स्किन के साथ चिपक जाता है। इस लड़ाई के अंत में एमंड और उनका ड्रैगन वेगार ही बचता है। रेनिरा अपने बुआ की हत्या सुन बहुत ही घबरा जाती है और अपने दोनों यंगेस्ट सन को शिफ्ट कर देती है अक्रॉस नैरो सी। कुछ दिनों के बाद उनका सबसे छोटा बेटा वापस आता है अपने घायल ड्रैगन के साथ और बताता है कि वो और उसका भाई दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं एक एनिमी फ्लीट से ड्रैगन स्टोन के पास, और अपने मदर की कमांड के बर्वा किए बगैर जकैरिस अपने भाई की मदद करने के लिए चला जाता है जिसमें उसके ड्रैगन्स वर्मैक्स को बहुत सारे एरोज मारे जाते हैं। फिर उसे एंकर की मदद से समुद्र में डुबा दिया जाता है और देखते ही देखते जकैरिस और उसका ड्रैगन वर्मैक्स समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाते हैं। अब रेनिरा के पास चार ड्रैगन राइडर नहीं थे और राइडर्स की कमी थी। रेनिरा अब एक प्लान बनाती है जिसमें वो अनाउंस करती है कि कोई भी टारगेरियन बास्टर्ड जो बचे हुए 6 ड्रैगन को राइड करेगा उनको गोल्ड और टाइटल से नवाजा जाएगा और इन बास्टर्ड्स को ड्रैगन सीड्स या सफर से बुलाया जाएगा। और ये प्लान सफल रहा, 6 में से 4 ड्रैगन बास्टर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं एज ड्रैगन राइडर्स। उधर रॉकरेस्ट के बाद एमंड ने कमांड संभाली किंग्स लैंडिंग की, क्योंकि किंग एगॉन की हालत बहुत ही खराब थी और वो चल फिर नहीं पा रहा था। फिर एमंड अपने ड्रैगन के साथ हैरनहॉल के लिए रवाना होता है रेनिरा के हस्बैंड डेमन से कासल छीनने के लिए। सर क्रिश्चियन कोल अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर सबसे पहले कासल पहुंचते हैं और देखते हैं कासल की सारी गेट्स ऑलरेडी खुली हुई है और हैरनहॉल कासल खाली पड़ा है। डेमन लड़ाई करने से अच्छा भागना पसंद करता है। उस रात सर क्रिश्चियन कोल और उसकी आर्मी विक्ट्री की पहली स्मेल लेती है, पर डेमन इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो अपने ड्रैगन के साथ साउथ वेस्टरोस की तरफ रवाना होता है और उधर एमंड अपने ड्रैगन वेगार के साथ नॉर्थ की तरफ हैरनहॉल जाता है। किंग्स लैंडिंग के आसमान पर अचानक दो ड्रैगन दिखते हैं, पहला डेमन अपने ड्रैगन के साथ और दूसरा रेनिरा अपने ड्रैगन के साथ। रेनिरा अब वापस आ चुकी थी अपने थ्रोन के लिए। किंग्स लैंडिंग का कासल बिल्कुल डिफेंसलेस होता है क्योंकि उनके किंग एमंड और उनकी आर्मी हैरनहॉल में रहती है। एलिसेंट और क्वीन हेलिना को बंदी बना लिया जाता है, पर किसी तरह घायल एगॉन चुपचाप शहर से बाहर निकलने में कामयाब होता है।